व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मेकअप के आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिनमें आप लोगों को आई शेड के साथ साथ लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है वो भी ज़रूर बताऊँगी, कंट्रास्ट में किस तरह से आप लिपस्टिक लगाएँ। व्यूवर्स, फर्स्ट तो ये डिज़ाइन है, इसका स्किन कलर के आई शेड के साथ लिटिल लाइनर लगाया हुआ है, और ये जो लिपस्टिक है इसके साथ मैट बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमारे बहुत से व्यूवर्स जब भी आई मेकअप करती हैं वो चाहती हैं वो अपनी आई को थोड़ा बहुत बड़ा कर लें, तो व्यूवर्स अगर आप अपनी आई के कॉर्नर में सिल्वर शेड लगा लेंगी उससे भी थोड़ी बहुत आई आपकी बिग हो जाएगी, और अगर आप ब्लैक शेड करती हैं, स्मोकी आई मेकअप करती हैं, तो उससे वैसे ही आई बड़ी बिग लगती है। और आप अपनी आईज़ के नीचे भी अगर आप शेड लगा लेंगी, जैसे कि इधर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए पिक्चर्स लाई हूँ, ये जैसे कि इसके नीचे आई के नीचे शेड लगाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और इस आई भी बिग लग रही है, और ब्लैक शेड के साथ तो वैसे ही बिग ही लगती है आई। और व्यूवर्स, अगर आप लोग और ज़्यादा बिग करना चाहती हैं तो अपनी आई के अंदर ब्लैक शेड लगा लें, जैसे कि सुरमा लगाते हैं बहुत से व्यूवर, या वाइट शेड लगा लें। जैसे कि व्यूवर्स इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने ब्लैक शेड लगाया हुआ है अंदर की तरफ। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें वाइट शेड लगाया हुआ है, वाइट शेड से ज़्यादा बिग लगती है ब्लैक शेड्स की निस्बत, लेकिन ब्लैक शेड वो व्यूवर्स यूज़ करना चाहते हैं जो अपनी आई को ब्लैक लुक देना चाहते हैं, वो अपनी आई वॉल का जो कलर होता है आई कलर वो थोड़ा डार्क करना चाहते हैं। व्यूवर्स, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन कितना कोई प्यार आइडिया, कितना कोई हसीन लग रहा है स्किन कलर का, और ये ग्लिटरी ग्लिटरी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके साथ डार्क की लिपस्टिक जबरदस्त 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 कॉम्बिनेशन है। व्यूवर्स, ये देखें, ये फ्रियोजी कलर के साथ जो ये डार्क स्किन कलर का कंट्रास्ट किया गया है, ब्राउन कलर का कंट्रास्ट, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आप देखें इस आई मेकअप के आई के अंदर यहाँ पर वाइट शेड लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आई भी बड़ी लग रही है, और जो आपकी व्यूवर्स लाइन होती है आई की, अगर आप उससे ऊपर थोड़ा बहुत आई शेड लगाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप आईब्रो के कॉर्नर में, यहाँ पर ये देखें आईब्रो के कॉर्नर में इन्होंने जो शेड लगाया हुआ है, यहाँ पर आप ग्लिटर लगाएंगे तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। व्यूवर्स, ये देखिए ये वाला आई मेकअप, इन्होंने ये थोड़ा बहुत डार्क शेड का आई मेकअप किया हुआ है, इसके साथ ही डार्क शेड की लिपस्टिक लगाई गई है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। व्यूवर्स, अगर इन्होंने फ्रोजी कलर का आई मेकअप किया हुआ है तो उसके साथ जिस तरह की आप लोगों ने लिपस्टिक लगानी है, इन्होंने स्किन कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, तो इन्होंने फ्रोजी कलर के आई मेकअप के साथ, जैसे फिरोजी लाइट फ्रोजी, उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत ब्लैक कम्बिनेशन किया है फिर स्किन, ताकि जब आप लिपस्टिक लगाएं तो उसका बहुत थोड़ा बहुत मैच हो, अच्छी लगे। अगर आप कहेंगी तो मैं आप लोगों के लिए कंटूरिंग की भी आइडियाज़ लेकर आऊँगी और बताऊँगी अगर आपका फेस इस शेप का है आप उसके किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पार्टी के लिए चाहिए वो बताएं, अगर आपको हैलोवीन पार्टी के लिए चाहिए, क्योंकि हैलोवीन पार्टी के लिए हमारे बहुत से व्यूवर्स इमोजी मेकअप करना पसंद करते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।